हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक आईटी के फंडे में। आज हम बात करेंगे एक सरकारी योजना के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत आपको क्या फैसिलिटी मिलने वाली है और यह योजना किस तरह से आपके बेटियों के लिए फायदेमंद है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको 1 से लेकर 10 साल तक आपके बेटी की उम्र है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। बेटी की पढ़ाई एवं बेटी का शादी का खर्चा कम करने के लिए भारत सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। माता पिता को बेटियों की पढ़ाई और उनके शादी का खर्चा उठाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का जो आरम्भ है वो किया गया है। इसकी शुरुआत हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी के द्वारा 2 दिसंबर 2014 को की गई है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। इस योजना में क्या खास है? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपके बेटी का खाता आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस योजना से जुड़ा फॉर्म आपको मिलेगा और उसे भरकर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इस योजना के तहत आपके बेटी के नाम का खाता उसकी 1 से 10 साल की उम्र तक ही निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से 1 साल में 1,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक आप जमा कर सकते हो। आपको साल में कम से कम 1,000 या उससे अधिक रकम जमा करना पड़ेगा। आप महीने के 1,000 इस हिसाब से पैसे भर सकते हो। अगर कम से कम 1,000 रुपए साल भर में न भरे जाए तो ये खाता डिफॉल्टर माना जाएगा और केवल आपके सेविंग के ऊपर ही 3% से 3.5% का जो ब्याज लगता है सेविंग अकाउंट पे वही आपको मिलेगा। यह जो स्कीम है यह अकाउंट खोलने से लेकर 14 साल तक आप इसमें पैसे भर सकते हो। यह खाता बेटी के उम्र के 21 साल में ही मैच्योर होगा, यानी बेटी के उम्र के 21 साल तक आपके 14 साल जो है सुकन्या समृद्धि योजना के पूर्ण होने चाहिए। इसकी खासियत यह है कि बेटी के 18 साल की उम्र होने पर शिक्षा के लिए आप इसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर बताया जाए तो मान लीजिए आपने 2017 में आपके बेटी के नाम 1,000 रुपए प्रति महीना से अकाउंट खोला और इसे 14 साल तक चलाया, यानी आपने 2030 तक चलाया, तो उस हिसाब से आपके 12,000 हर साल के हिसाब से टोटल पैसे जमा होते हैं 1,68,000 रुपए और उसके ऊपर शासन आपको 8.6% का ब्याज देता है और जिसमें जब आपकी बच्ची 21 साल की होगी तो आपको मिलेगा 6,07,128 रुपया। गौर करने वाली बात यह है कि आपने 14 साल में केवल 1.68 लाख यानी 1,68,000 रुपए ही जमा कराए थे और उसमें आपको कुल राशि मिल रही है 14 साल के बाद 6,07,128 रुपए और उसमें जो है केवल ब्याज ही आपको 4,39,128 रुपए मिल रहा है। इस योजना के ब्याज के दर बदलते रहते हैं। यह दर बजट सत्र के समय घोषित किए जाते हैं। इस स्कीम में अब तक दिए गए ब्याज दर इस प्रकार है। अप्रैल 1, 2014 में इसका दर था 9.1%। अप्रैल 1, 2015 में इसका दर था 9.2%। अप्रैल 1, 2016 में और जून 2030 के बीच में इसका दर था 8.6%। जुलाई 1, 2016 से लेकर सितंबर 30, 2016 इसमें जो दर था वो 8.6% और अक्टूबर 1, 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक 8.5% इसका दर था। तो चलिए नियम के बारे में जानते हैं। आपकी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट उसकी उम्र से 1 से 10 साल में ही खुलवा सकते हैं। अगर आपकी दो बेटियां हैं
तो दोनों के नाम से आप अलग-अलग अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर तीन बेटियां हैं तो केवल पहली दो बेटियों के नाम से ही इस योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हो। तीन बेटियां हैं और उनमें से जुड़वा बेटियां हैं तो प्रमाण पत्र की पूर्तता करने के बाद आप तीनों के अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपने बेटी को गोद लिया है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो और उसके भविष्य के लिए पैसा बचा सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको आयकर कानून की धारा 80G के तहत छूट दी जाती है, यानी ये जो पैसा है वो बिल्कुल आयकर मुक्त है, यानी इस रकम पर आपको कुछ भी आयकर भरना नहीं पड़ेगा। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। इस योजना में कुछ आवश्यक कागजात आपको लगेंगे, जिसमें बच्ची का प्रमाण पत्र, अभिभावक यानी पालक का एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है, अगर लड़की एक शहर से दूसरे शहर में चली जाती है तो जिस शहर में वो गई है वहां पर आप इस अकाउंट को, यानी भारत के किसी भी शहर में आप इस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। और साथ ही इस योजना में आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब अकाउंट कब बंद होगा? तो खाता खुलने के बाद कम से कम 5 साल तक यह खाता आपको चलाना पड़ेगा। मान लीजिए लड़की की शादी 18 साल की उम्र में हो जाती है और उस 18 साल के उम्र तक जितनी भी सेविंग उस अकाउंट में होगी वह उसे इस योजना के तहत मिल जाएगी। लेकिन संपूर्ण मैच्योरिटी के लिए अगर 21 साल की उम्र होती है तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैच्योरिटी के लिए नियम के अनुसार कम से कम 14 साल होने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 14 साल तक आपको मिनिमम रेगुलरली पैसे भरते रहने पड़ेंगे। लड़की की आकस्मिक मृत्यु होने पर खाता बंद हो जाएगा और इसमें जमा रकम ब्याज के साथ उसके जो पालक है उसको मिल जाएंगे। तो यह थी सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी। स्कीम से जुड़ा कुछ भी आपके सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और स्कीम से जुड़ा कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। तो यह योजना आपको कैसे लगी और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।